पांच दुकान देख लिया मैंने। हाँ, नॉट फिल्टर, इज ब्राइटनेस। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप लोगों का शर्फी गाथी का ब्लॉग में। तो अभी हम जा रहे हैं मलाड़ मार्केट कुछ सामान लेने। चलो दिखाता हूँ आप लोगों को, है कि नहीं? क्या बोलते हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम शफीक आसिफ का ब्लॉग। अभी तक पांच दुकान देख लिया हमने। झूठ है। हाँ, पांच ही देखे, तीन ही थे, एक मामू, दो तीन चार, एक चौथी, पांचवी है। ये पांचवी दुकान है। आसिफा को क्या पसंद आया? ये सिल्वर वाला कहाँ पहनेंगे इसको? पूना, पूना, पूना से लाए, चुना चुना। तो अपने हिसाब से टाइट करते हैं, हम तो इसको फिट नहीं कराना पड़ेगा। पसंद आया है, ये वाइन कलर बहुत मस्त है। क्या बोलते हो? अच्छा है ना? मेरे को अच्छा लगना चाहिए। हाँ लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? कलर चार्ट दे तुम्हारे लिए तो बता। सही है, सही है। आपके लिए ले लिया शर्ट, ये वाला कलर का लिए हो मेरे के लिए, है ना? अच्छा लग रहा है, देखो ना, देख लो। हम आए हैं चप्पल लेने। ये क्या है? देखो दूसरी, देखो अच्छी कोई पसंद करो। अच्छी लग रही है। हाँ, मजा नहीं आ रहा। चप्पल चप्पल पसंद नहीं आई, आसिफा के साइज की चप्पल नहीं थी, है ना? भूत नहीं दिख रहे तुम दोस्तों? बाल तो सही करो जरा। हाँ, हम लोग आ गए। चलो मैं ट्यूशन, चलो। वेलकम, चलो मैं जाता हूँ, मेरे को छोड़ के आता हूँ। पे बन रहा है अभी, आसिफा का बर्तन धो रहे हैं, यहाँ बन रहा है खाना। खाने यही क्या डाले ऊपर? घी। मैं नाक में 2 किलो की चावल डाल के पी तो घी से। और यहाँ बन रहा है मस्त मजबूत कीमा बन रहा है, और अच्छा कुछ तो बन रहा है, दिखा रहा हूँ, है ना? बाल कलर होगा इतरा रहे मैडम, देखो ना इतरा रहे, इतरा रहे, इतरा रहे। वापस करो, अरे हिलेगा ही वो पोनी ऐसे डालेंगे तो हिलेगा। अरे इतरा रहे, अरे इतरा रहे। चलो धो फटाफट बर्तन, धो, दो दिन के बर्तन धो रहे नहीं हो। कौन बोला? मैं बोला। मेरे रोज बर्तन धुलते हैं भैया। हाँ धो, मजे करो, मजे करो, काम करो, जल्दी हाथ मिलाओ। अभी गली में बोला भी काम करूंगा। हाथ मिलाओ जल्दी। अरे हाथ भी नहीं मिला रहे वे, हंसने नहीं दे। हाथ मिलाओ, इतने दिन बाद आए, हाथ मिलाओ। सलाम कर रहे हैं। आज आए हैं लोग बहुत दिनों बाद, दोनों जन बहुत दिनों के बाद आए हैं। और मेरे पास बैठा ये टकला, क्या गाना गा? टाइम ही नहीं मिल रहा है। बाप रे, इतने दिनों बाद आए। हाय हाय, बोलो हाय, बोलो हाय, बोलो हाय। पप्पी दो, पप्पी दो, मम्मा से मिल लो, मम्मा से मिले नहीं। जय मम्मी को सलाम, जल्दी उधर, जल्दी जा, एक्टिंग कर रहा है, जा हाथ मिला। ला इधर, ला ला, वो ला हाथ मिला मम्मी से, जल्दी जा, ला इधर मम्मी से हाथ मिला, जा तेरी माँ। हैं, क्या बोल रहा है तू? हैं मम्मा, हाथ मिला, इधर इधर मिला रहा है, एक्टिंग कर रहा है। कितने दिन बाद आया रे पप्पी? कितने दिन बाद आया रे पप्पी? मुश्किल है कुछ की पप्पी, दे पाकर दो, मार दे, ये सब बताना पड़ रहा है इसको। क्या हो रहा है? टकले 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 मत दो, मत दो, मत दो, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई साहब, चरी छुपे फाइव स्टार खाना चालू कर, चेप चाप भी लिया उसने। बोला मैं बड़े लाभ बच्चों को चॉकलेट खिलाता हूँ, सब सबसे बड़े फाइव स्टार लेके भाग गए। सब भाग रहा, चुपके खा रहा है, नहीं दिखाऊंगा बोला। अल्लाह, जरा दिखा जरा, ये अब्बा ये तुम लोग, ये मैं खाऊंगा बोला। ये 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 हेलो, हेले हेले हेले, बड़ा बड़ा लो, बड़ा क्या छोटा छोटा ले, ये ले लो ब्लेंड, ले लेना। अरे छोटे जल्दी खुलती है, तुम समझते नहीं है, बड़ी खुलने में टाइम लगता है। कर बच्चे ना ऐसे अपने, अरे अरे बॉक्स में नहीं आ रही थी ना, तो वो काट के रखी। हाँ वो आई थी वैसे ही वहाँ से, खोयो खोयो, एक मुंह में है,
खत्म नहीं हुई और देखो कहाँ जा कहाँ रहा है तू, जा कहाँ रहा है तू, लेवे के कैसा भाग रहा है तू, इसको देख रहे इसको दिए मेरे को भी तो दो थोड़ी याली दो ना काजू बादाम वाली ना ये याली दो मेरे को वॉलनट वही ना वॉलनट अच्छा उसकी हेजलनट ये सेंग वाली अच्छी लगती है लेकिन वही हर रंग मन ही नहीं है देने का, मन ही नहीं है देने का, पप्पी दे पहले पप्पी पहले पप्पी दो इधर इधर पप्पी अरे मुंह पे बिंदी है अच्छा ये ले जा ले ले ये ले जाओ अच्छा तुम लोग अरे रखो ना हाँ चलो सब खाऊंगी बारी बारी से समझे I love chocolate ले ले तेरे आता है क्या हेलो ले लाओ वो ले अरे 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 ले अम्मी चलो चाहिए क्या मिल गया वो भी चॉकलेट का बहुत दीवाना बहुत एक कीड़ा काटेगा रे कीड़ा काटेगा गाइस सब चले गए आ चुके हैं अपनी पोजीशन पे वापस सेम पोजीशन उमेश देयर सोफी की देयर आसिफ पे देयर हेयर देयर हेयर देयर इज नो हेयर तो गाइस वी आर सेटलिंग राइट नाउ फूड इज वेरी टेस्टी राइट नाउ बहुत अच्छा खाना बना था वेरी टेस्टी यम्मी यस डिफिकल्ट यम्मी मम्मी इज वेरी डिफिकल्ट बहुत वेरी टेस्टी बट ना भी मूड खराब रहेगा ना लेकिन मेरे जानू हंसा और बिकॉज़ देयर इज अ शमाना टेस्ट वसीम टेस्ट रब्बा टेस्ट इज वेरी नाइस थॉट एंड थॉट मतलब मैं बोल यम्मी यम्मी मम्मी इंग्लिश की अम्मा में आ जाओ मैं इंग्लिश यम्मी यम्मी मम्मी नसीब से सब आए थे ना सब आए थे अमित भी सब तो देयर ऑल All families are there and destiny is the food as per hand. Nam nam chabai. Amma main pa jao hai. Amma main mein aisi English bol raha tha. To aur ek aa jaye aur ek bahut achhi pyari khushkhabri bhi hai. Khushkhabri matlab thoda sa acha laga Aasifa ko bhi. Hai na ruk jao ek minute. To zyada filter laga liye. Nahi filter nahi lagaye brightness kar diya andhera aa raha tha na bahut wo sab yaar. To because those not kya not filter is brightness. To khushkhabri ye hai कि सुबह सुबह 7 बजे आसिफा के आपा का फोन आया मेहता पापा का कॉल करी वीडियो हाँ मैं उठाई दम घबरा के डर के क्योंकि अभी सुबह रात है फोन को सब सर के पास डर लगता है कि क्या है कुछ रहेगा तो लोग इमरजेंसी में कॉल करेंगे बोल के कॉल करी देखी तो अब्बा बैठे है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहता पापा हाथ से खिला रही है मुँह से खा रहे और नाक का देख रहे हाँ नाक का पाइप अचानक निकाल दी थी टेंशन में आई मैं तो खुशी के मारे सुबह रोई हूँ ना जयरा पर इतना रो रही बेचारी अचानक रात को 3 बजे मैंने पाइप निकाल दी असल में कहा क्या हुआ उनका ना पाइप ये पट्टी बराबर नहीं लगा के गई थी दूसरे वाली डॉक्टर ने ना यहाँ से आधी निकली हुई थी तो उनको ना उलझन होती थी उस पर मेहता पापा ने एक और पट्टी लगा दी थी तो मैंने कल क्या करी क्या मालूम मैंने क्या करी मैंने ना कल मतलब पट्टी ऊपर की वाली निकाली और मेरा मैंने सोची कि नाक का पट्टी भी मतलब निकाल के पाइप का दूसरी लगा देती तो ना मेरे को बार बार वो इशारा भी कर रहे थे इधर ऐसा और ऐसा नाक इशारा कर रहे मेरे को तो मेरे लिए अब्बा रुको मैं पट्टी करती हूँ फिर मेरे को डर लगा ना तो मैंने खाली ऊपर की निकाली वो यहाँ की चिपके लिए रहने दी मैं बोली अरे आपा ने बोली भी फोन पे कि अरे दूसरी लगा दे तू निकाल के अस्सो तू कर लेगी मैं बोली नहीं रे आपा उनको दुखेगा तो मेरे को नहीं अच्छा लगेगा मेरे लिए ऐसे उनको रोते नहीं देख सकती बोल के मैं बोली जान दे एक पट्टी यहाँ से पूरी चिटकी है यहाँ से एक आधी है हाँ। अब क्या मालूम था छू के देखे उन्होंने मेरे सामने ऐसा ऐसा अब वो मैंने उनके सामने बोली अब वो रात को मेहताबा बोलती है 3 बजे पाइप वाइप निकाल के लेटे पड़े पूरा बोले खींच के निकाल दिए
मैं तो अपा डर के उठी, मैं तो अपा बोली अब पाइप निकाले ना तुम, अब तुमको दलवाऊंगी नहीं पाइप, अब तुम कुछ भी करो, अब तुमको सुबह मुंह से ही खाना पड़ेगा बोल के ऐसा। तो सुबह 7 बजे उठा के दिखाई, हम लोग देखे ना, मैं इतना खुशी के मारे रोई हूँ, चम्मच से निकल के चबा के चबाए जैसा वाला करके खा रहे। अभी शाम में देखी किशमिश, बैठ के किशमिश पतली उसने मुंह में मेहतापा ने डाली थी अब्बा के, तो उसको कुतरते बैठे थे, कुतरते और चूसते बैठे थे, तो मतलब अच्छा लगा। बस खाली दुआ करेंगे जल्दी जल्दी बोलने लग जाए। डॉक्टर लोग ये बोले बोले अगर मुंह से बराबर चबा के प्रॉपर खाने लायक हुए तो ही पाइप निकालेंगे, क्योंकि पाइप निकालेंगे तो निमोनिया हो जाएगा, सीने में बोले कफ है ऐसा ऐसा, तो इसलिए हम लोग डर रहे थे नहीं निकलवा रहे थे पाइप, पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुंह से खा रहे खुद ही निकाल ली। अभी बस अल्लाह करे उनको कुछ ऐसी और तकलीफ दूसरी ना हो। अम्मी बराबर उठा के बिठाते है, सब करते है बेचारे, भी क्या बोलूं यार, हम लोग भी इतने दूर है ना। बहुत आज एक्चुअली मैं जाने वाला था अब्बा को लेके। हाँ आज मैंने इसलिए जाना कैंसिल करी क्योंकि आज अब्बा जाने वाले थे इनके साथ, और ऐसा हो गया बेचारे अब्बा काम में उनका काम ही खत्म, 9 बजे आए तो बोले जाने तो आज नहीं आएंगे, कोई और दिन जाएंगे। मैं बोला था 8 बजे तक आ जाएंगे तो लेके चले आऊंगा, पर बहुत लेट हो गए इसलिए कैंसिल हो गया है ना। अब्बा को फिर कैसा, मामा मामू के अभी जाना रहता है ना, इसीलिए लेट नहीं जा सकते। जल्दी जाएंगे तो कैसा सब जगह हो लेंगे, लेट जाएंगे तो फिर कब पहुंचेंगे, कब मिलेंगे, क्या करेंगे। चलिए फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसी दुआ प्यार देते रहिए और कीप सपोर्टिंग। आप लोगों की दुआ यार, बस दुआ करो कि दो चीज जल्दी ठीक हो जाए, एक थैली और एक और बोलना, हाँ एक उनकी यूरिन की थैली अगर निकल जाएगी ना और वो बोलने लग जाएंगे ना आवाज में, तो ना उनकी तकलीफ एकदम मतलब कैसा रहेगा ना, तकलीफ क्या है मुंह से एटलीस्ट बता सकता है आदमी। और ऐसा लगता है देख के उनको जैसे ना कभी कभार भूल जाते हो, उनको याद नहीं रहता जैसे क्या है कौन है क्या है ऐसा। कल मैं इसी इतना रोई थी, मुझको ऐसा फील हुआ। तो खैर कोई नहीं, वो चीज़ बहुत कीमती है, पहले तो माँ बाप अनमोल होते हैं जिंदगी में। तो ऊपर बैठे ना तो अजीब लग रहा था, ना ऊपर आ जाओ। नहीं चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। तो अल्लाह हाफिज़ मिलना हमको वापिस है, बाय बाय गाइस, गुड नाइट, गुड बाय बाय। वॉच दिस व्लॉग इन द वॉच इन सी देयर एंड एवरीवेयर यार, ओके गाइस बहुत बहुत शुक्रिया। 11वीं शरीफ स्टार्ट हो रही है, सब दुआ करें, दुआ कीजिएगा अब्बा के लिए, और हम दुआ करेंगे हर ऐसे इंसान के लिए या किसी की औलाद है या किसी के माँ बाप है, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे और उनको शिफा दे, कोई भी ऐसी बीमारी हो या कोई भी ऐसी तकलीफ हो, बस अल्लाह उनको निजात दे इस बीमारी से और उनको शिफा दे, तंदुरुस्ती दे। आप सब भी दुआ कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।